यह ट्रिक उन लोगों के लिए है जो दिन भर फ़ोन में बात करते हैं और उनके मन में ये डर रहता है कि कोई हमें देख ना ले, पकड़ ना ले। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने सत्यम दुबे की लड़के से, मैं अपनी कॉल लॉग दिखा रहा हूँ, सत्यम दुबे की लड़के से हमारी कितनी बात हुई है। यहाँ पर पहले तो कॉल डिसलाइन किया गया है, फिर उसके बाद में जितनी भी जो भी है वो पूरी दिखाई आपको दे रही है, और मैं इसका नंबर भी आपको शो कर रहा हूँ कि आप इसका नंबर भी देख लो। लेकिन अभी मैं आपको जादू दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप बैक होगे तो सत्यम दुबे का नंबर ही चेंज है, जो कॉल हिस्ट्री सत्यम दुबे नाम में थी अब दूसरे नंबर पे है, कोई अनजान नंबर पे। तो ये आप कैसे कर सकते हो, चलिए वीडियो में जानते हैं बिना किसी बकवास के। किसी के भी मोबाइल की कॉल डिटेल बदलने के लिए या फिर नई फेक कॉल हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको कॉल लॉग मैनेजर पे जाना है। जाने के बाद ये जो भी परमिशंस मांगेगा आपसे, आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। फिर से एक बार कॉल लॉग पर टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद जितनी भी हमारी कॉल हिस्ट्री थी, कॉल डिटेल्स थी, वो सभी देखने के लिए मिल जाएंगी कि किस नंबर से हमने कितनी बातें की हुई हैं और कौन सा फ़ोन आया है, कौन सा फ़ोन गया था, कौन सा फ़ोन हमने डायल किया है, ये सब हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि किसी की भी कॉल हिस्ट्री को कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले आपका मैं डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ऐप में मेरी कॉल हिस्ट्री ये दिख रही है, और अगर मैं अपने फ़ोन में जो फ़ोन ऐप रहता है उसमें जा करके दिखाता हूँ मेरी कॉल हिस्ट्री, जहाँ से हम वॉइस कॉल करते हैं, वो सब यहाँ पे देखने के लिए, वो भी यहीं पर नई यही नंबर है 7989565665। और यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ भी वही नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे 7989895665, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसे आप चेंज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ से अगर आप कोई नया नंबर लेना चाहें तो किसी भी नया नंबर को यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप किसी कॉन्टैक्ट को लेना चाहें, जो भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं, उनके लिए आपको सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप टच करेंगे, टच करने के बाद अलाउ जो भी परमिशन मांगेगा उसे अलाउ करेंगे। उसके बाद में यहाँ से किसी भी कॉन्टैक्ट को अपने ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा SIM 1 SIM 2 का ऑप्शन, किस सिम से आया था वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, आउटगोइंग थी, इनकमिंग थी, वो भी आप यहाँ पे बदल सकते हो, है ना। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद में कितने मिनट बात हुई, कितने सेकंड बात हुई, ये भी आप यहाँ से तय कर सकते हो यहाँ पे इस तरह बदल के, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में इतना करने के बाद यहाँ पर आपको कर देना है अपडेट। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो अगर थोड़ा सा मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अब हम यहाँ से हो जाते हैं बैक, और बैक होने के बाद अगर अपनी कॉल हिस्ट्री पर जाएंगे तो यहाँ पर नई कॉल हिस्ट्री तैयार हो चुकी है। अगर हम इसकी बात करें कि कितने क्या मिनट इसमें बात हुई है, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी हम बात कर लेते हैं, एक और आपको बहुत अच्छी सेटिंग बता देता हूँ जो कि काफ़ी गजब की है। फिर से आपको कॉल लॉग पर आना है। कॉल लॉग पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप एक नई फेक कॉल हिस्ट्री अगर तैयार करना चाहते हो, कॉल लॉग तैयार करना चाहते हो, तो यहाँ पर एड न्यू कॉल रिकॉर्ड पर आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर किसी का भी फेक नंबर है, अगर थोड़े से ऐड आ रहे हैं, किसी का भी अगर फेक नंबर है वो आप दर्ज कर सकते हो, या फिर आपके किसी कॉन्टैक्ट का है तो वो भी आप यहाँ से कॉन्टैक्ट से ले सकते हो। उसके बाद में कितने मिनट आपने बात की, 1 घंटे बाद की, 25 मिनट बाद की, या 25 सेकेंड बाद की, वो यहाँ पर दर्ज करना है। फिर आउटगोइंग थी या इनकमिंग थी, वो भी आप यहाँ पर कर लेंगे। SIM 1 या SIM 2, वो भी आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में सिलेक्ट डेट, कितनी तारीख को आपने बात की, आज 30 तारीख है या 29, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, अपना एक टाइम सिलेक्ट कर लेंगे, वो आपको कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ऐड टू कॉल लॉग, यहाँ पर आपको टच करना है, और यहाँ पर 2-3 बार टच कर दीजिए, शायद एक बार में ना हो। और फिर जहाँ आप बैक होकर के देखोगे तो आपको नई कॉल लॉग यहाँ पर तैयार मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है तो अपनी कॉल डिटेल को चेंज कर सकते हो और फेक कॉल हिस्ट्री तैयार कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉल लॉग एडिटर, और यहाँ पर इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं पुनः एक साथ, तब तक गुड बाय।